तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल रिसर्च। तो दोस्तों, आज के इस ज़बरदस्त वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपका सेटअप बॉक्स चालू नहीं हो रहा है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा और इसमें जो प्रॉब्लम है चालू ना होने का, उस प्रॉब्लम को आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, कम्प्लीट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो सेटअप बॉक्स है ये चालू नहीं हो रहा है। तो मैं आपको पहले इसको कंफर्म करा के दिखाता हूँ कि ये वास्तव में चालू नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं इसका पीछे का जो स्विच है उसको ऑन कर दिया हूँ। अब मैं आपको सप्लाई देकर दिखाता हूँ कि ये चालू हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्विच ऑन किया मैंने, सप्लाई दिया, लेकिन ये जो फ्रीडिस का सेटअप बॉक्स है ये चालू नहीं हो रहा है, इसमें पावर आ ही नहीं रहा है। दोस्तों, पावर ना आने के कई सारे कारण हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इसका सप्लाई वायर को चेक करना है। क्या चेक करना है, सप्लाई वायर का ये वाला यहाँ पर जो होता है ना, ये वायर ये यहाँ पर से अंदर से ख़राब हो जाता है, यानी कि यहाँ पर से वायर कट जाता है, जो देखने से भी पता चल जाता है। तो आपको इस तरह से पहले पलट कर देख लेना है और उसके बाद सप्लाई वायर का ही ये वाला सिरा यहाँ पर, इसको आपको देख लेना है कि यहीं पर कटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि वायर कई बार कट जाता है और सप्लाई नहीं जाता जिस कारण से सेटअप बॉक्स चालू नहीं होता। तो इस तरह से आपको देख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद पता नहीं चलता है या पता चलता है तो आप वायर को चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर पता नहीं चलता क्या वायर खराब है कि नहीं तो आपको पहले ओपन करना है, ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आपको फिर से इस वायर को ही चेक करना है, क्योंकि दोस्तों बाहर से तो पता नहीं चल रहा है कि वायर खराब है, लेकिन अंदर से भी बस्ट हो जाता है कई बार, वायर लोकल वायर लगा हुआ रहता है। तो इसे आपको मल्टीमीटर से चेक करना है। तो यहाँ पर सप्लाई का जो वायर है ये कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, इसका जो दो सिरा है इसे आपको पहले पता कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको मल्टीमीटर लेना है और बजर मोड में आपको सेट करना है, ठीक है, बजर मोड में सेट करना है और इस सप्लाई वायर को आपको पहले चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सप्लाई वायर को कैसे चेक करेंगे, तो सप्लाई वायर का जो यहाँ पर जो प्लग होता है ना, उसमें का कोई भी एक प्लग में पिन में एक प्रॉप को रखेंगे और दूसरे प्रॉप को यहाँ पर दोनों सिरों में चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस सिरे में चेक करें तो यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये वाला टर्मिनल का जो वायर सही है। अब हम दूसरे टर्मिनल को चेक करेंगे, इस वाले पॉइंट को। अब यहाँ पर हमने चेक किया, रीडिंग आ रहा था, तो इस वाले पॉइंट में चेक करते हैं दूसरे सिरे में, तो यहाँ पर भी रीडिंग आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई वायर एकदम ओके है, ये 100% कन्फर्म हो गया है कि इसका सप्लाई वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर रीडिंग नहीं आता कोई भी एक पॉइंट में या दोनों पॉइंट में, तो इस वायर में खराबी होता, इस वायर को चेंज करने पर ठीक हो जाता, लेकिन इस वायर में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, इसके पावर सप्लाई में, ठीक है दोस्तों। तो पावर सप्लाई में पहले आपको तो ध्यान से देख लेना है, कहीं पर जला हुआ कोई कैपेसिटर फटा हुआ, कहीं पर कालापन तो नहीं नज़र आ रहा, इस तरह से आपको पहले देखकर थोड़ा मुआयना कर लेना है, चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर ऊपर से फटा हुआ है या ऊपर से फूला हुआ, आप देख सकते हैं ये बीच से दरारें पड़ चुका है, ये फट चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर तो फटा हुआ यानी कि ये ख़राब हो चुका है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि कैपेसिटर फटा हुआ इसको हम चेंज कर देंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फटा क्यों है इसको भी हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ये फटता है या ये फूलता है तो और कोई कंपोनेंट भी साथ में ख़राब होता है। तो क्या क्या कंपोनेंट ख़राब हो सकता है इसको जानने के लिए ये पावर सप्लाई को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो चार कोनों में होल होता है वहाँ से हम निकालेंगे, तो सबसे पहले इस पिन को खींच कर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मदरबोर्ड में लगता है, उसके बाद यहाँ पर चार लॉक है, उसको हटा कर इस पावर सप्लाई को ही बाहर निकाल लेते हैं। अब मैंने निकाल लिया बाहर, अब ये तो कैपेसिटर फटा हुआ दिख रहा है, ये ख़राब है, ये तो पता चल रहा है, तो ये ख़राब क्यों है, किस कारण से ख़राब है, तो इसको जानने के लिए यहाँ पर आपको डायोड, ये जो चार डायोड है उसे चेक करना होगा, इसका फ्यूज को चेक करना होगा, और यहाँ पर इसका आईसी भी ख़राब हो जाता है तब भी फट जाता है, लेकिन आईसी ख़राब होता है तो अधिकतर बार ये फट जाता है, लेकिन ये फटा हुआ नहीं लग रहा है आईसी, तो ख़राब होने के चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इसका रेक्टिफायर डायोड है, इसमें का कोई शॉर्टेज हो जाता है तब ये कैपेसिटर फटता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका फ्यूज़ को चेक करेंगे, तो यहाँ पर से निकल जाता है, फ्यूज़ सही है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इस तरह से आपको फ्यूज़ को निकाल लेना है, तो यहाँ पर हम इस फ्यूज़ को बाहर निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से बाहर निकाल लेने के बाद इस फ्यूज़ को आप ध्यान से देखिएगा, अगर ख़राब रहेगा तो बीच में वायर जो लगा रहता है वह कट हो जाता है। आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रहा है। बाजार मोड में चेक करने पर रीडिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूज़ भी उड़ा हुआ है। अब दोस्तों फ्यूज़ यदि उड़ा हुआ है तो 100% दोस्तों इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट हुआ ही होगा, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट कहाँ पर होता है, या तो इसका आईसी में शॉर्ट सर्किट होता है या इसका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में शॉर्ट सर्किट होता है। यहाँ पर हम चेक करेंगे डायोड को सभी को, तो यहाँ पर कोई ना कोई डायोड ज़रूर शॉर्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो दूसरा नंबर का डायोड है, ऊपर से दूसरा नंबर हम गिन रहे हैं, तो ये डायोड शॉर्टेज बता रहा है। आप देख सकते हैं इसमें रीडिंग 02 आ रहा है, ठीक है, ये शॉर्टेज है। तो हम तीसरे नंबर का डायोड को चेक करते हैं यहाँ पर, तो इसमें रीडिंग आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें रीडिंग आ रहा है, ये ठीक है। अब चौथे नंबर का डायोड यानी कि नीचे वाला डायोड को चेक करते हैं, ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी डायोड शॉर्ट है दोस्तों, यानी कि इसमें दो डायोड शॉर्ट है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप पता चल चुका है कि डायोड शॉर्ट होने के कारण ही यहाँ पर कैपेसिटर में लोड बढ़ा और कैपेसिटर फटा हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कैपेसिटर को पहले बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसको चेंज करना पड़ेगा। और इसका नंबर मैं आपको बता दूं, 450 वोल्ट का है, ये 15 यूएफ का लगा हुआ है। तो दोस्तों ये अलग अलग यूएफ में आता है, अलग अलग पावर सप्लाई में, तो हम 450 वोल्टेज का ही कैपेसिटर लगाना होगा। तो यहाँ पर हम उसके बाद हम डायोड जो ख़राब है उसे निकाल लेते हैं। लेकिन अच्छा यही होगा दोस्तों कि आप चारों डायोड को ही चेंज कर दें, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ दो ही डायोड ख़राब है तो आप, अच्छा यही होगा कि आप चारों डायोड को ही चेंज करें, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ दो ही डायोड को चेंज करने वाला हूँ। दोनों डायोड को मैंने यहाँ पर से निकाल दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमें इस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगा, तो हमारे पास कोई पुराना पावर सप्लाई है जिसमें का यहाँ पर 450 वोल्ट का ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ था, जिसको मैंने निकाल रखा हूँ, 450 वोल्ट 47 यूएफ का, ठीक है। तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फ्यूज़ यहीं पर भी लगा हुआ है, हम इस फ्यूज़ को भी बाहर निकाल लेते हैं। हम इस फ्यूज़ को उस पावर सप्लाई में लगाएंगे, क्योंकि उसका फ्यूज़ तो उड़ा हुआ है। तो हम इस फ्यूज़ को लगाने से पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं ये फ्यूज़ ख़राब तो नहीं है, और यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ था उसको भी हम बाहर निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर डायोड का नंबर है IN4007, इसका नंबर है। तो हम पहले फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं लगाने से पहले कि ये सही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें रीडिंग आ रहा है, कन ड्यूटी आ रहा है, ये फ्यूज़ सही है। अब हम इस फ्यूज़ को यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इस फ्यूज़ को लगा लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर कैपेसिटर को और डायोड को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लगा लेते हैं दोस्तों फ्यूज़ को। अब इस कैपेसिटर को कैसे लगाना है, तो इसमें प्लस माइनस देख कर आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, वाइट वाला सिरा माइनस का होता है, और ठीक उसी प्रकार कैपेसिटर में ऋण का चिन्ह है, ये माइनस का होता है। तो आपको प्लस माइनस देखकर ही लगाना है, ठीक है। अगर आप गलत लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, या आपका पावर सप्लाई और भी ख़राब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कैपेसिटर को भी चेंज कर दिए, अब डायोड को लगाएंगे। तो डायोड का नंबर है IN4007 दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। तो लगाने से पहले आपको चेक कर लेना है, अगर आप किसी दूसरे सर्किट से निकाल कर लगा रहे हैं तो आप ज़रूर चेक कर लें, ठीक है, ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, डायोड सिर्फ एक ही साइड रीडिंग शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस डायोड को भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी डायोड सही है। तो अब हम इस डायोड को लगाएंगे, तो कैसे लगाना है, इसमें भी आपको देख कर लगाना है। एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। तो यहाँ पर वाइट सिरा और ब्लैक सिरा होता है, तो आपको वाइट सिरा और ब्लैक सिरा देखकर लगाना है। डायग्राम में भी एक साइड ब्लैक वाइट का मार्क होता है, तो डायग्राम में जिस तरह से वाइट की तरफ है उधर आपको डायोड का वाइट को लगाना है। तो इस तरह से मैंने दोनों डायोड को चेंज कर दिया, कैपेसिटर को चेंज कर दिया और फ्यूज़ को चेंज कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको इसमें पावर सप्लाई के लिए वायर जोड़कर आपको इस चीज़ को चालू करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने एक वायर ले लिया, इसमें जोड़ दिया है सप्लाई के लिए, ठीक है। अब मैं इस पावर सप्लाई को ये जो सेटअप बॉक्स है उसमें ऐसी ही आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि इसका प्रॉब्लम अब सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो ये इस पिन को हम यहाँ पर से लगा लेते हैं, इस पिन को मैंने लगा लिया है। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पर इसको साइड में रख लेता हूँ नीचे में, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने अभी लगाया नहीं, आपको चेक करके ही दिखाने वाला हूँ कि ये इसका प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सप्लाई
दे देते हैं अपने स्विच बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए इसमें हम सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि हमारा सेटअप बॉक्स चालू होता है कि नहीं। मैंने सप्लाई दे दिया, ये इसका लाल बत्ती जल चुका है। ठीक है, अब ये कुछ देर बाद कुछ सेकंड में चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा सेटअप बॉक्स ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर 36 नंबर का चैनल चल रहा है, तो इसका प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से इसमें जो प्रॉब्लम आया था इसके पावर सप्लाई में, जिसको मैंने आपको ठीक करके दिखाया हूँ, तो इस तरह से आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।